I am Dr. G. G. C. John, Assistant Professor, Department of Anatomy, UT Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Namaste, Hamesha Khush Raho Bitiya. If you have any query, please mention it in comment box. It will be resolved very soon. So today we are discussing about the anatomy of thyroid gland. Thyroid gland is the biggest endocrine gland of our body. The hormones that is secreted by the thyroid gland are triiodothyronine and tetraiodothyronine and the calcitonin, which subserve the following functions. Means it regulates the basal metabolic rate and it stimulates the psychosomatic growth of the body, and it has an important role in calcium metabolism. So thyroid gland हमारी जो बॉडी की सबसे बड़ी endocrine gland में आती है, और जो thyroid gland के hormones जो secrete होते हैं वो है triiodothyronine, जिसको हम लिखते हैं T3 से, and tetraiodothyronine जिसे हम लिखते हैं T4 से. Normally tetraiodothyronine को हम thyroxine बोलते हैं, और एक और hormone है calcitonin जो calcium जो metabolism के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है. इसके फॉलोइंग फंक्शन है थायराइड के, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है हमारी बॉडी को उसको रेगुलेट करता है, और जो साइकोसोमेटिक ग्रोथ ऑफ बॉडी, इसका मतलब है कि जो फिजिकल और मेंटल जो ग्रोथ होता है, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए और मेंटल ग्रोथ के लिए, स्पेशली इन हेल्दी वे स्टिमुलेट करता है. दूसरा है कैल्शियम मेटाबोलिन. कैल्शियम मेटाबोलिन में जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, इसका इम्पोर्टेंट रोल है. जो हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो येलोइश कलर में यहाँ पे दिखाई दे रही है, दैट इज द थायराइड ग्लैंड. इस पिक्चर में हम मोर क्लियरली देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड की शेप. हम देख सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड एच शेप में बना हुआ है, और हम ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टू लोब्स है, और हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो वर्टिब्रास है, तो इसके अगेंस्ट इस लेवल पे ये थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है. हम लोकेशन की बात करते हैं तो थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन लोअर पार्ट ऑफ द फ्रंट एंड साइड ऑफ द नेक अपोजिट टू द C5, C6, C7 एंड T1 वर्टिब्रा क्लास्पिंग द अपर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया. सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो ये ट्रेकिया है उसको क्लास्प की हुई है, उसके ऊपर घिरी हुई है, और हम ये भी देख रहे हैं जो लेवल है इसका, यह C5 से T1 तक है. इस लेवल पे ये जो ट्रेकिया को है उसको क्लास्प की है, उसको जकड़ के रखती है, और जो नेक के यहाँ पे जो नेक है उसके लोअर पोर्शन ऑफ द नेक, यहाँ पे नेक का लोअर पोर्शन है जो इसके फ्रंट नेक का जो फ्रंट है इसमें है, और नेक की साइड में, ये नेक के फ्रंट एंड साइड में सिचुएटेड है. दूसरा ये है कि C1 से T1 तक इसका लेवल है, और तीसरा ये है कि जो ट्रेकिया को क्लास्प करके रखती है, जकड़ के रखती है जो उसका अपर पोर्शन को. अब हम पार्ट्स एंड फीचर्स की बात करते हैं, तो इट इज एच शेप्ड एंड कंसिस्टिंग ऑफ वर्टिकल राइट एंड लेफ्ट लेटरल लोब्स एंड ए हॉरिजॉन्टल इस्थमस कनेक्टिंग देम अक्रॉस द मिड लाइन. तो जब हम इसको देख रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ पे लोब्स है, जो लेटरल लोब्स है, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल हमें एक पार्ट दिखाई दे रहा है जिसको हम इस्थमस बोलते हैं, और जो दोनों लॉब्स के बीच में है, और इस्थमस के कारण इसकी जो शेप बन जाती है वो एच शेप बन जाती है. सम टाइम ए स्मॉल पिरामिडल लोब प्रोजेक्ट्स अपवर्ड्स फ्रॉम द इस्थमस यूजुअली टू द लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन. नॉट इनफ्रिक्वेंटली इट इज कनेक्टेड टू द बॉडी ऑफ द थायराइड ग्लैंड बाय ए फाइब्रस और फाइब्रोमस्कुलर बैंड कॉल्ड लेवेटर ग्लैंडुले थायरॉइडी. तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक लोब जिसको इस्थमस से निकली हुई है, ये पिरामिडल लोब है बहुत, और ये जो थायराइड बोन है इसे एक फाइबर्स जो बैंड होते हैं, या फाइब्रोमस्कुलर भी हो सकते हैं, इस बैंड से जुड़ी हुई होती है, और इस बैंड को हम बोलते हैं लेवेटर ग्लैंडुले थायरॉइडी. हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमारा मिड लाइन है तो ये थोड़ी सी झुकी हुई होती है लेफ्ट साइड की तरफ, तो ये टुवर्ड्स टू द लेफ्ट साइड इसका इंक्लिनेशन होता है, और ये ऊपर की तरफ होती है,
जो पिरामिडल लोब और एक फाइब्रल स्पैंड के थ्रू ये हेड वेन से जुड़ी होती है, और जो फाइबर स्पैंड है इसका नाम है एलिवेटर ग्रैंडुली थायरॉइड। ईच लेटरल लोब ऑफ द ग्लैंड एक्सटेंड अपवर्ड्स टू द ऑब्लिक लाइन ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज एंड बिलो अप टू द फिफ्थ एंड सिक्स्थ ट्रैकियल रिंग। द इस्थमस एक्सटेंड अक्रॉस द मिड लाइन इन फ्रंट ऑफ द सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ट्रैकियल रिंग्स। तो अगर एक्सटेंशन की बात करते हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे ये जो है जो ये थायरॉइड कार्टिलेज है इसके ऑब्लिक जो लाइन है यहाँ तक है इसका एक्सटेंशन ऊपर की तरफ। अगर नीचे की तरफ देखते हैं जो फिफ्थ ट्रैकियल या सिक्स्थ ट्रैकियल रिंग की लेवल पे रहता है। तो एक्सटेंशन हमने देखा कि ऊपर की तरफ जो थायरॉइड कार्टिलेज है वहाँ इसके ऊपर जो ऑब्लिक लाइन है वहाँ तक, और नीचे ट्रैकियल रिंग जो फिफ्थ एंड सिक्स्थ है वहाँ पे। इसी तरह हम ये इसकी बात करें अगर पिरामिडल जो लोब है इसका एक्सटेंशन देखते हैं तो इसका एक्सटेंशन है सेकेंड थर्ड ये फोर्थ जो ट्रैकियल रिंग है अबव ऊपर की तरफ जो है इसका लेवल यहाँ तक है। वेट एंड डायमेंशन जो थायरॉइड ग्लैंड है उसका नॉर्मल जो वेट होता है 25 ग्राम, और जो ईच लोब ऑफ थायरॉइड ग्लैंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 3 सेंटीमीटर वाइड होती है एंड 2 सेंटीमीटर थिक होती है। जहाँ पे इस्थमस की हम बात करते हैं तो 1.2 से 5 सेंटीमीटर होता है बोथ वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स डायमीटर। तो ये जो इसका इस्थमस का जो मेजरमेंट होता है 1.25 सेंटीमीटर होता है, और जो वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स अगर ऊपर से ऐसे देखें तो भी 1.25 सेंटीमीटर होगा, और हॉरिजॉन्टल हम देखें तो भी इसका 1.25 सेंटीमीटर होता है। ऑलमोस्ट इट लुक्स लाइक अ स्क्वायर। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कैप्सूल ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड। जो थायरॉइड ग्लैंड होती है वे कैप्सूल में होती है, और जो कैप्सूल के जो लेयर्स हैं यानी इनर ट्रू कैप्सूल एंड आउटर फॉल्स कैप्सूल, तो ये टू कैप्सूल्स में लेयर होती है। ये जो कैप्सूल है इसमें एक ट्रू कैप्सूल होता है एक फॉल्स कैप्सूल होता है। जो फॉल्स कैप्सूल होता है आउटर साइड में रहता है और ट्रू कैप्सूल इनर साइड में रहता है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये थायरॉइड ग्लैंड है इनक्लोज्ड रहती है कैप्सूल में, तो जो हमारा कैप्सूल है जो बाहर की तरफ है ये फॉल्स कैप्सूल आपको ग्रीन ये जो मार्जिन दिखाई दे रहा है ये, एंड ट्रू कैप्सूल ये आपको पर्पल जो कलर से शो कर रहा है ये ट्रू कैप्सूल। देन जो इसमें जो प्लेक्सस होते हैं जो वेनस प्लेक्सस होते हैं ये अंदर की तरफ होता है, जो ट्रू कैप्सूल ये अंदर की तरफ ये इनक्लोज करता है जो ट्रू कैप्सूल है जो वेनस प्लेक्सस को इनक्लोज करता है। हम यहाँ पे अगर क्लीवेज देख रहे हैं यहाँ पे आपको रेड डॉट से आपको दिखाई दे रही है दैट इज द क्लीवेज। इसका मतलब है कि जब भी हम थायरॉइड को रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ से इसको काट के निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम वेनस प्लेक्सस को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हाईली वेस्कुलर होता है, तो यहाँ पे सर्जरी के वक्त बहुत ब्लीडिंग की पॉसिबिलिटी रहती है। तो हम जब भी थायरॉइड ग्लैंड को निकालेंगे तो हम जो है यहाँ पे ट्रू कैप्सूल के साथ ट्रू कैप्सूल को ही निकालेंगे पूरी तरीके से, ताकि जो वेनस प्लेक्सस है इसके इनसाइड ही रहें और इसका कोई डैमेज ना हो और सर्जरी के वक्त कोई ब्लीडिंग ना हो। तो हम क्लीवेज यहाँ पे इसको कट लगाएंगे यहाँ पे इन दोनों के बीच में फॉल्स एंड ट्रू के बीच में। अब जब हम इसकी शेप की बात करते हैं तो ग्लैंड की जो शेप होती है रफली पिरामिडल जो कॉनिकल शेप में होती है, और कॉनिकल शेप होने के कारण ये प्रेजेंट करती है अपेक्स एंड बेस एंड थ्री सर्फेसेस। जो थ्री सर्फेसेस होती हैं एक मीडियल होती है लैटरल एंड पोस्टीरियर लैटरल, और टू बॉर्डर्स ही प्रोवाइड करती हैं जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर होते हैं। अपिक्स डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड स्लाइटली लेटरली इट एक्सटेंड्स अप टू द ऑब्लिक लाइन ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज। जब हम पढ़ रहे थे इसका एक्सटेंशन तब भी हमने देखा था कि ये ऑब्लिक लाइन थायरॉइड जो कार्टिलेज है उसको ऑब्लिक लाइन तक एक्सटेंड करती है, उसके क्या हम देख रहे हैं दैट इज अपिक्स, और ये थोड़ी सी लेटरली लेटरल साइड में होती है लेकिन ये फिर भी जो झुकी हुई होती है लेटरली, और इसका एक्सटेंशन होता है जो भी ऑब्लिक लाइन होता है थायरॉइड कार्टिलेज। बेस की बात करें तो बेस एक्सटेंड्स अप टू द फिफ्थ एंड सिक्स्थ ट्रैकियल रिंग। जो बेस होता है इसका हम वही एक्सटेंशन की बात करें थे यहाँ पे भी जो इसका लास्ट एक्सटेंशन होता है थायरॉइड कार्टिलेज का वो
सॉरी थायराइड ग्लैंड का जो 5th and 6th के लेंथ तक होता है। अब हम सरफेस की बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम सरफेस लेते हैं लेटरल सरफेस जिसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल सरफेस। तो जो ये सरफेस होती है वो कॉन्वेक्स होती है एंड इट इज कवर्ड बाय द 3 स्टेप मसल्स, जो मसल हैं स्टेनो थायराइड एंड स्टेनो हायोइड एंड सुपीरियर वैली ऑफ मोहायोइड एंड द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेनो क्लिनोस्टेरेट और लिपिंग इनफीरियरली। तो जो मसल्स होती है यहाँ पे, कुछ मसल्स होती है यहाँ पे स्टेप मसल्स जो स्टेनो थायराइड है, स्टेनो हायोइड है एंड मोहायोइड की सुपीरियर वैली है, ये यहाँ पे इसको लेटरल सरफेस को कवर करती है। सुपरफेशियल मतलब जो फर्स्ट जो हम अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो मसल्स, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ये जो मसल्स हैं इसके सुपरफिशियल सरफेस यहाँ पे होते हैं और यहाँ पे हमें स्टेनोक्लिनोस्टेरेट है जो इन्फीरियर पोर्शन में इसको ओवरलैप कर रही है यहाँ पे। और ये जो मसल्स है हमारी बाकी की मसल्स स्टेनो हायोइड थायराइड एंड ओमोहायोइड, ये मसल्स यहाँ पे सुपरफिशियल इसके जो सरफेस पे अटैच्ड रहते हैं। अब हम मीडियल सरफेस की बात करते हैं। मीडियल सरफेस जो डायरेक्टेड होता है ट्रेकिया की तरफ और जो इनर पोर्शन होता है जो ट्रेकिया की तरफ वाला जो ट्यूब है यहाँ पे ट्रेकिया वहाँ ट्यूब के साइड वाला जो पोर्शन है उसको मीडियल सरफेस बोलते हैं और ये रिलेट करती है ट्रेकिया एसोफेगस। और यहाँ पे जो टू मसल्स होती हैं वो इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर एंड सब्टिको थायरॉइड मसल्स एंड यहाँ पे जो कार्टिलेज होते हैं थायरॉइड कार्टिलेज, तो ये थायरॉइड एंड क्रिकुड कार्टिलेज वहाँ पे जुड़ी हुई होती है और वहीं पे टू मसल्स भी होते हैं क्रिकुड थायरॉइड एंड फिर कॉन्स्ट्रिक्टर एंड वहाँ पे रिलेट करती है ट्रेकिया एसोफेगस क्योंकि मिडिल सर्फेस पे ये चीज़ें यहाँ पे सिचुएटेड रहती है। पोस्टीरियोलेटरल सरफेस की बात करें हम तो ये रिलेट करती है कैरोटिड शीट और पीछे की तरफ हम देखेंगे जो पोस्टीरियर पार्ट में जो वहाँ पे कैरोटिड शीट को ये रिलेट करती है और एंटीरियर बॉर्डर। अब हम बात करते हैं बॉर्डर्स की, तो यहाँ पे जो बॉर्डर है हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर, तो एंटीरियर बॉर्डर की हम बात करेंगे थिन होती है और वहीं पे पोस्टीरियर बॉर्डर थिक एंड राउंडेड होती है। तो एंटीरियर बॉर्डर हमारे जो सुपरफेशियल एंड मीडियल सरफेस है इसको अलग करता है, दोनों को सेपरेट करता है और जो रिलेट करती है एंटीरियर ब्रांच ऑफ द सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी। जब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में तब हम देखेंगे कि ये जो रिलेशन बनाती है यहाँ से निकलती है एक एंटीरियर ब्रांच ऑफ द सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, तो इसको रिलेट करते हैं। पोस्टीरियर बॉर्डर थिक एंड राउंडेड होता है, ये सेपरेट करता है मीडियल एंड पोस्टीरियर सरफेस, जो मीडियल पार्ट है और जो पोस्टीरियर सरफेस है और इसको ये अलग करते हैं। ये जो कोन शेप होता है, अगर हम कोन देखते हैं इस तरीके से, अगर हम इसको इस तरीके से हम देखते हैं उसको इस तरीके से, तो यहाँ पे एंटीरियर बॉर्डर दैट इज द पोस्टीरियर बॉर्डर और ये मीडियल सरफेस है सुपीरियर सरफेस एंड ये पोस्टीरियर सरफेस, तो हमें इस तरीके से कोन शेप होने के कारण ये कोनिकल शेप होती है पिरामिड हम बोल रहे थे। और जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं कि ऑलमोस्ट ये कोनिकल शेप में होती है, तो इसके हमारे पास टू बॉर्डर्स मिलते हैं और साइड्स मिलते हैं, उसके बाद में हमें अपेक्स एंड बेस और थ्री साइड्स पे मिलते हैं। दूसरा हम है हमारा रिलेशन इस्थमस का, पहले हम देखते हैं हमने यहाँ पे जो थायरॉइड ग्लैंड है इसके लोब्स की हमने रिलेशन देखा हमने, अभी हम इस्थमस का रिलेशन देखते हैं। तो इस्थमस हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल होने के कारण इसके टू सरफेस होते हैं और टू बॉर्डर्स होते हैं जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ होते हैं। अगर एक स्क्वायर शेप्ड होता है तो हम मान के चलते हैं कि इसके टू बॉर्डर हैं ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे अगर टू बॉर्डर है तो इसके एक सरफेस आगे की तरफ होगी और एक पीछे की, जिसको हम एंटीरियर पोस्टीरियर बोलेंगे। एंटीरियर सरफेस में वो स्टेम मसल होगी जो अभी हमने सुपरफिशियल सरफेस ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड देखा था, वहाँ पे भी स्टेनोहायड स्टेनोथायरॉइड था। और यहाँ पे एक चीज और रिलेट करती है एंटीरियर जुगलर वेन से रिलेट करती है इस्थमस। पोस्टीरियर सरफेस की बात करते हैं तो ये सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ जो ट्रेकियल रिंग है उसको रिलेट करती, क्योंकि ये जो इस्थमस है ये बिल्कुल जकड़ी हुई रहती है इसको ट्रेकिया से, तो इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है इस्थमस का वो सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग के रिलेशन में रहेगा।
अब हम सुपीरियर बॉर्डर की बात करते हैं, तो जो एनास्टोमोसिस होता है एंटीरियर ब्रांच ऑफ द टू सुपीरियर थायराइड ग्लैंड, जो ये रिलेट करेगी यहाँ पे अगर हम जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी की जो ब्रांचेस है यहाँ पे आके एनास्टोमोसिस करेगी, तो हम देखते हैं कि यहाँ आपस में मिलकर चाय बनाते हैं, मिलती हैं आपस में, इसलिए हम इसको बोलेंगे एनास्टोमोसिस यहाँ पे, और जो सुपीरियर बॉर्डर है इसकी रिलेशन में होती है। अब हम बात करते हैं इन्फीरियर बॉर्डर की, जो इन्फीरियर बॉर्डर है जो ये इन्फीरियर थायरॉइड वेन यहाँ से निकलती है इन्फीरियर बॉर्डर से और थायरॉइड इमा आर्टरी यहाँ से अंदर घुसती है। तो हमारे पास यहाँ पे है थायरॉइड इमा आर्टरी जो इन्फीरियर बॉर्डर से अंदर जाती है और जो इन्फीरियर थायरॉइड वेन है जो इन्फीरियर बॉर्डर से बाहर निकलती है। हम अगर इसमें का रिलेशन देखें तो हमारे पास यहाँ पे स्टेनोहायोइड हमें दिखाई देता है, स्टेनो थायरॉइड एंड स्टेनोहायोइड ये हमारी मस्कुलर हमें यहाँ पे पोशा हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे अगर पीछे की तरफ देखें तो हमें ट्रेकिया दिखाई दे रही है यहाँ पे एंड कैरोटिड शीट भी दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से और इसोफेगस ही रिलेशन में रहती है इस तरीके से। अब हम बात करते हैं आर्टरियल सप्लाई की। आर्टरियल जो सप्लाई होती है जो हाईली वैस्कुलर होती है उसको फर्स्ट थायरॉइड ग्लैंड, और इसमें जो आर्टरीज होती है कि इसकी ब्रांचेस निकलती है एनास्टोमोसिस करती है एक दूसरे से, तो हाईली वैस्कुलर होती है। और यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होती है जो थायरॉइड ग्लैंड में बहुत ज़्यादा होती है। तो कुछ जो हमारे पास आर्टरीज हम देखते हैं सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी एंड थायरॉइडिया इमा आर्टरी एंड एसेसरी थायरॉइड आर्टरी। सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी की बात करते हैं तो ये कैरोटिड आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी उसकी ब्रांच होती है और ये सप्लाई करती है अपर वन थर्ड ऑफ द लोब एंड अपर हाफ ऑफ द एस्टमस। जो ये लोब्स होते हैं हमारे पास सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, यहाँ पे हम बात करते हैं ये जो अपर पार्ट ऑफ द एस्टमस है और अपर पार्ट ऑफ द ये जो लोब्स हैं लेटर लोब्स हैं इसको ये सप्लाई करते हैं। इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी सप्लाई करती है लोअर टू थर्ड ऑफ द लोब एंड लोअर हाफ ऑफ द स्टमक। जो बचा हुआ पोर्शन है सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी के देने के बाद में जो पोर्शन पीछे बचा हुआ है लोअर हाफ ऑफ द स्टमक का एंड लोअर टू थर्ड ऑफ द लोब का ये इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी इसको सप्लाई करती है। थायरॉइडिया इमा आर्टरी जो कि बहुत कम केसेस में देखने को मिलती है 30% केसेस में ही, जो कि ब्रांच होती है ब्रेकिसोफेलिक ट्रंक की ब्रांच होती है, ये डायरेक्टली आर्च ऑफ एरोटा से भी निकल सकती है और ब्रेकिसोफेलिक ट्रंक से भी निकल सकती है। तो हम देखते हैं कि ये थायरॉइड इमा आर्टरी है, ये आर्च ऑफ एरोटा से भी इसका डायरेक्ट ऑरिजन हो सकता है और जो ब्रेकिसोफेलिक ट्रंक है उससे भी इसका डायरेक्ट ऑरिजन हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि जो थायरॉइड इमा आर्टरी है और जो स्टमस है इसके हमारे जो इन्फीरियर पोर्ट होता है इसके अंदर से एंटर करते हैं। इसके बाद में एक फोर्थ वेन जो सम टाइम वहाँ पे पॉसिबल हो सकता है जिसको बोलते हैं कोचर वेन थायरॉइड वेन, कोचर वेन जो कि निकलती है मिडल एंड इन्फीरियर थायरॉइड वेन के बीच से और ये जो ड्रेन करती है आर्टरी पढ़ रहे थे हम। एसेसरी थायरॉइड आर्टरी ये फोर्थ आर्टरी है, दे अराइज फ्रॉम ट्रेकियल एंड एसोफेजियल आर्टरी, जो ट्रेकियल एंड एसोफेजियल आर्टरीज है उसे एसेसरी आर्टरीज होती है जो निकलती है ऐसे एसेसरी। तो ये एसेसरी थायरॉइड आर्टरीज है, मेन आर्टरीज नहीं है ये, ये ट्रेकिया जो एसोफेजियल आर्टरीज है जो ट्रेकियल एंड एसोफेगस को सप्लाई करती है, इन्हीं की कुछ ब्रांचेस होती हैं जो थायरॉइड को सप्लाई करती हैं, इनको बोलते हैं एसेसरी थायरॉइड आर्टरीज। अब हम यहाँ इसी पोर्शन को यहाँ पे हम करते हैं यहाँ पे स्टैंड करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट पोर्शन है हम नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक यू।